गंगोत्री की भयंकर वाली भीड़ है गाइस। हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं हूँ अभी देहरादून में। और देखो गाइस, यहाँ पर चारों तरफ का माहौल क्या मस्त है। मतलब यहाँ पर और की जगह काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। और आज है गाइस नहान, आज है नहान। तो आज मैं जाऊँगा हरिद्वार और देखूँगा वहाँ का कैसा क्या माहौल है, कितना भीड़ रहता है, कितना क्या रहता है, नहा सकता हूँ या नहीं नहा सकता हूँ, सब आपको पता चलेगा इस ब्लॉग में। और अगर वहाँ पर नहीं नहा पाऊँगा तो पानी का बॉटल लेकर जाऊँगा, भर कर लेकर आऊँगा और यहाँ पर नहाऊँगा। तो देखते हैं कितना क्या वहाँ भीड़ रहता है। वैसे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगा तो वहाँ पर चलकर ही पता चलेगा। तो आज चलो चलते हैं, मस्त देखते हैं हरिद्वार में नहान का कैसा क्या माहौल है। एंड हियर इज कभी ना नहाने वाली बच्ची। मैं कल ही नहाई हूँ और आज भी नहाऊंगी क्योंकि आज नहान है और आज मैं हरिद्वार में। अगर तुम आज नहीं नहाओगी तो नेक्स्ट जन्म में तुम चूहा बन जाओगी, वैसे ही हो तुम चूहा। तो चलो चलते हैं, फटाफट तैयार होते हैं और निकलते हैं। बाय द वे गाइस, स्कूटी से चलना है तो चलो मस्त चलते हैं, लगभग 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो हाँ, चलो चलते हैं। जय भोले बाबा, सबकी रक्षा करना। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं हरिद्वार और हमारे पीछे देखो गाइस कितने सारे लोग आए हुए हैं नहाने के लिए। आप देखोगे ना पूरा एकदम भरा पड़ा है, भयंकर वाली भीड़ हो रखी है। और यहाँ से देखो गाइस कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है और काफ़ी लोग आए हुए दिख रहे हैं। और अब फटाफट चलते हैं अम्बी घाट पर। ये देखो भाई कितने लोग आए हुए हैं, ओत्री की भयंकर वाली भीड़ है गाइस, काफ़ी लोग आए हुए हैं भाई। ये देखो भाई साहब इधर भी। बम बम भोले, जय भोलेनाथ। अरे यहाँ पे क्या चल रहा है? मस्त गाना बजाना भी चल रहा है और काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और हमारे पीछे गाइस भोलेनाथ जी। भाई यहाँ पर अपना काम धाम खत्म हो गया है और अब यहाँ से फटाफट निकलते हैं क्योंकि आधा दिमाग भाई स्कूटी में लगा पड़ा है। और आप ऐसे में जानते हो कि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर नंबर दो वाला काम भी हो जाता है। तो ऐसे में फटाफट अपना काम धाम करके यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो अलग ही कांड हो जाएगा भाई, है ना। क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी लोग आए हुए हैं और जहाँ पर भीड़ रहती है वहाँ पर कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। और भाई यहाँ पर आते ही मस्त मौसम हो गया है, धूप वगैरह एकदम गायब हो गई है और एकदम अलग मौसम हो गया है। और फटाफट चलते हैं भाई स्कूटी के पास क्योंकि मन उसमें लगा पड़ा है। चलो भाई शुक्र है अपनी स्कूटी यहाँ पर सेफली खड़ी हुई मिली। और यहाँ देखो गाइस अनगिनत बसें खड़ी हैं, इसी से आपको पता लग सकता है कि कितने सारे लोग दूर दूर से आए होंगे। और अब चलते हैं फाइनली घर और रास्ते में एक गुरुद्वारा पड़ता है तो वहाँ पर भी हो सकता है रुक जाए तो देखेंगे। तो अभी चलते हैं घर।
तो गाइस गुरुद्वारा आ गया है और अब चलते हैं अंदर। यही गुरुद्वारा है नुन्ना वाला, काफी ज्यादा फेमस है और मैंने ये बांध लिया है सर पर, तो हाँ चलो चलते हैं। तो गाइस ये है नुन्ना वाला गुरुद्वारा जहाँ पर हमें आना था। अब चलो यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं। तो गाइस प्रसाद मिल गया है तो खा लेते हैं फटाफट। तो गाइस यहाँ पर मस्त लंगर चल रहा है तो हम भी बैठ जाते हैं भाई। चलो यहाँ से प्लेट भी ले लिया। तो गाइस खाना पीना भी हो गया है मस्त लंगर में और अब चलते हैं घर। तो गाइस जस्ट अभी मैं पहुंचा था घर और तो गाइस जस्ट अभी मैं पहुंचा था घर और आकृति ये मुझे पकड़ा दी है और बोल रही है मुझे पढ़ा दो, तो इसको पढ़ाता हूँ। इसमें क्या पढ़ाना है तुमको? अरे जल्दी करो, पनवेल निकलना है मुझे। ये तो पोयम है, ये तुम मुझको सुनाओगी ना? सुनाओ। तो गाइस अभी इसको मैं पढ़ाता हूँ एंड इस वाले ब्लॉग को यहीं तक रखता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर देना और सब्सक्राइब आपके ऊपर है। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना और नहीं पसंद आए तो सब्सक्राइब मत करना है। पसंद आए तो ही करना और नहीं पसंद आए तो सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं है, तो वो तो आपके ऊपर है। और लाइक कमेंट तो कर ही देना। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ये बोलेगा मैं लिखूंगी। नहीं ऐसे नहीं। तो गाइस ये बोलेगा मैं लिखूंगी। यहाँ देख कर, यहाँ सामने, यहाँ। अरे बोल दिया, बोल एक बार और। तो गाइस ये बोलेगा मैं लिखूंगी।